भिवानी के कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज नोटबंदी के दौरान फैली अव्यवस्था और सरकार की बंद इंतजामी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और शहर के बीचों बीच जुलूस निकाला। सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि नोटबंदी केवल उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई है। सरकार की नोटबंदी को लेकर न तो नियत ठीक है और न ही नीति। यही कारण है कि आज पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है। गरीब व मजदूर भूखमरी की कगार पर है। उद्योगों को ताले लग रहे हैं तथा व्यापारियों की दुकानें ठप हैं। औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले लाखों मजदूर पलायन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए परेशान जनता की आवाज उठाने का फैसला लिया है। इस कड़ी में आज पूरे देश में पार्टी द्वारा जनता के साथ मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जिस तरह से ये नोट का ना, जब इन्होंने 2000 के नोट निकाले तो एटीएम की मशीनें कैलिब्रेट नहीं करी, इन्होंने ये व्यवस्था नहीं करी कि पूरी तरह से जो है आरबीआई जो है वो है नोट पूरे छापे ताकि वो नोट जो है बैंकों के अंदर पूरे हों। आज आप बैंक में जाते हो लाइनों में 3-3 दिन लगते हो, उसके बाद भी आपको कैश नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगले आने वाले 5 महीने तक आपको मैं बताना चाहती हूँ ये नोटों की भरपाई नहीं होगी क्योंकि ये प्रिंटिंग के अंदर इतना टाइम लगता है। तो किस तरह से 4 महीने के अंदर, तो आदमी बताओ भाई भूखे प्यासे रह लोगे क्या सारे? मैडम आज आप बाजार में किस प्रकार से अपना आक्रोश प्रकट करेंगे, बाजार में दुकानें बंद करवाएंगे या फिर मार्च? नहीं नहीं, हमने किसी की कोई बंद नहीं करवानी। हमारा उद्देश्य जो है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हाथ जोड़ के वहाँ से हम लोग सारे के सारे मार्च करते हुए निकलेंगे। आजाद टीवी न्यूज के लिए भिवानी से कैमरामैन देवेंद्र सांगवान के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट।